दोस्तों, अगर आप लोग का भी विड्रॉल फंसता है और ऐड करते वक्त आप लोग का पैसा बैंक से कट जाता है और रिचार्ज नहीं हो पाता है और गेम आईडी में पैसा नहीं आ पाता है, तो आप लोग को उसका एक उपाय बताने वाला हूँ। आप लोग तुरंत ही इसका उपाय कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं अपने ही मोबाइल से। दोस्तों, आप लोग को वीडियो में पूरा बने रहना होगा। और दोस्तों, इसका जो सबसे मेन रीज़न है वह मैं बताने वाला हूँ। आप लोग जिस वर्जन में खेलते हैं, हो सकता है आप लोग ओल्ड वर्जन में गेम प्ले करते हो। ओल्ड वर्जन में गेम प्ले करने से आप लोग रिचार्ज करते हो, बैंक से पैसा कट जाता है और नहीं आ पाता है। या तो आप लोग रिचार्ज करते हो और फेल दिखा देता है और बैंक से भी पैसा कट जाता है। यह दो हो सकता है, यही उपाय मैं बताने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहना। और अगर आप लोग का यह ऐसा ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले आप लोग न्यू वर्जन को डाउनलोड कर लो। न्यू वर्जन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। न्यू वर्जन में गेम प्ले करोगे और ऐड मनी करोगे, विड्रॉल भी करोगे, तो आप लोग को तुरंत इंस्टेंट पेमेंट मिल जाएगा और पैसा भी नहीं फंसेगा। और दोस्तों, आप लोग को मैं बता देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर फंस जाता है पैसा, तो आप लोग ऐड मनी पर जाते हो, आप लोग अदर अमाउंट पर टिपते हो और रिकॉर्ड पर टिपोगे, तो आप लोग को इस तरह से कुछ दिखाएगा, प्रोसेसिंग में दिखाएगा और आप लोग को नहीं आईडी में नहीं आ पाता है। तो यही उपाय मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोग गेम से बैक हो जाना और यहाँ पर नीचे सर्विस लिखा हुआ है, सर्विस पर आना। और सर्विस पर आने के बाद दोस्तों, रिचार्ज हेल्प पर क्लिक करना। रिचार्ज हेल्प पर क्लिक करोगे दोस्तों, तो आप लोग को यह दो ऑप्शन दिखाई देगा और दोनों में कौन सा प्रॉब्लम है यह आप लोग कर सकते हो। अगर ऊपर वाला में है तो ऊपर वाला में टिप लेना, उसके बाद आप लोग दोस्तों रिचार्ज हेल्प पर आओगे तो आप लोग डायरेक्टली यहां पर आ जाओगे। और उसके बाद आप लोग को नीचे दिखाई देगा नीड हेल्प विथ दिस ऑर्डर, आप लोग वहां पर क्लिक करोगे तो आप लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। और आप लोग जो पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कोई भी एप्लीकेशन से पेमेंट किए हैं, उसका आप लोग का यूटीआर नंबर या यूपीआई रेफंड नंबर, दोनों में से कोई आप लोग को कॉपी करके इसमें डाल देना है। और आप लोग का जो पेमेंट कटा है गेम आईडी में, जो आप लोग को प्रोसेसिंग दिखा रहा है, उसका फ़ोटो अपलोड करना है। और उसके बाद दोस्तों, आप लोग को ट्रांजेक्शन का जो टाइम है वह दिखाना है। और आप लोग को यहाँ पर लिख देना है कि मेरा विड्रॉल फंस गया है, ऐड मनी किया हूँ तो फंस गया है। यह बात आप सिर्फ लिख सकते हैं, रॉन्ग का ऑप्शन दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग इस पर क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हैं, उसके बाद आप लोगों का हो जाएगा। और न्यू वर्जन में गेम प्ले करोगे तो आप लोग को यह भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए बोलता हूँ न्यू वर्जन में गेम प्ले करना। और यहाँ पर रिचार्ज का ऑप्शन भी दिखा देता हूँ कुछ दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर 10,000, 20,000 जितना भी रिचार्ज कर सकते हो, आप लोग का वीआईपी लेवल जितना अच्छा होगा आप लोग को उतना तगड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और उसमें दोस्तों कार रोलेट गेम प्ले कर सकते हो, यह भी मैं बता रहा हूँ। और कार रोलेट गेम में आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का गेम, आप लोग कार रोलेट 8 घर का गेम होता है। और इसमें बंदा का बैलेंस मैं दिखा देना चाहता हूँ, 2,46,000 रुपये लेकर एक बंदा गेम प्ले कर रहा है, एक बंदा 32,000 लगभग लेकर गेम प्ले कर रहा है, एक बंदा 41,000 और एक बंदा 3,900 रुपये का, और एक बंदा 9,450 रुपये। यानी सभी बंदा जो है बहुत ज़्यादा बैकअप लेकर के गेम प्ले कर रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं झंडी मुंडा गेम के बारे में बता देता हूँ और ड्रैगन वर्सेस टाइगर के बारे में भी बता देता हूँ। इस तरह में देख सकते हो दोस्तों, इस समय कितना ज़्यादा एक्टिव प्लेयर है, इसमें 1143 एक्टिव प्लेयर है और इसमें कितना ज़्यादा बैकअप लेकर गेम प्ले कर रहा है दोस्तों, यह भी आप लोग देख सकते हैं। 4,48,000 रुपये का बैकअप लेकर गेम प्ले कर रहा है दोस्तों, 1,39,000 का और 1,47,000 का, इस तरह से बहुत ज़्यादा बैकअप लेकर के गेम प्ले कर रहा है। और इसमें बहुत सारा स्लॉट का भी गेम है दोस्तों, कोई भी गेम आप लोग खेल सकते हो और खेल करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो आप लोग ओल्ड वर्जन में गेम प्ले करने का गलती नहीं करना और न्यू वर्जन में कोशिश करो गेम प्ले करने का। तो मिलता हूँ एक नए वीडियो।